अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है व्हाट। बोले सर व्हाट इज स्कैवेंजिंग। क्लियर है, सब लोगों ने सुना होगा कि सर स्कैवेंजिंग एक टर्म है जो हम लोग देखते हैं, राइट? बोले सर हाँ। तो आज के वीडियो में दैट मीन्स हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्कैवेंजिंग है वो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और हम लोग इसके अंदर दैट मीन्स ये और डिस्कस करेंगे कि दैट मीन्स देयर इज अ टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग, टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग, भाई कितने टाइप की दैट मीन्स स्कैवेंजिंग होती है। और एक और चीज डिस्कस करेंगे क्या कि सर मेनली आप लोगों ने ये जो वर्ड है वर्ड स्कैवेंजिंग इट इज सुना हो दैट मीन्स लिसन इन जर्नली फॉर टू स्ट्रोक इंजन। जब आपके टीचर आपको टू स्ट्रोक इंजन दैट मीन्स जब पढ़ा रहे होंगे टू स्ट्रोक इंजन तब दैट मीन्स ये टर्म आप लोगों के सामने आई होगी, स्कैवेंजिंग होती है भाई यहां पर, किसमें होती है? स्कैवेंजिंग होती है। तो बोला सर ये जो टर्म है वो टू स्ट्रोक में आई, फोर स्ट्रोक में स्कैवेंजिंग नहीं होती है, फोर स्ट्रोक में स्कैवेंजिंग नहीं होती। तो ये भी हम देखेंगे कि सर That means, is there a scavenging in four-stroke engine? Four-stroke engine में scavenging होती है। और अगर if yes, तो that means कैसे? How? वो चीज हम लेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये each and everything जो मैंने आप लोगों को बोला कि scavenging क्या होती है, कैसे होती है, types of scavenging क्या होती है, four-stroke में scavenging होती है नहीं होती है, अगर होती है तो कैसे होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगा बेटा किस पर कि स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग, ठीक है। स्कैवेंजिंग को बेसिकली बेटा मैं क्या है एक और नाम से जानता हूं क्या? बोल सर इट इज अ क्लीनिंग, इट इज अ क्लीनिंग। क्या कहलाता है ये? क्लीनिंग कहलाता है। क्लीनिंग का मतलब बोलो सर साफ सफाई, क्लीनिंग का मतलब साफ सफाई। जैसे हमारे घर में कभी कोई मेहमान आता है तो बोल देते हैं यार सब चीजें दैट मीन्स अस्त व्यस्त जो पड़ी है उनको ठीक ठाक कर दो, दैट मीन्स साफ सफाई कर दो, ताकि दूसरा मेहमान जब आए दैट मीन्स जो नए मेहमान जब आते हैं तो दैट मीन्स लगता है कि नहीं यार देखो कितना साफ सुथरा घर है इनका, तो हमारी दैट मीन्स बड़ाई करेगा, राइट? करेगा ना। तो ये भी उस तरीके का ही है कि जब नया मेहमान आएगा तो उससे पहले जो साफ सफाई हम करते हैं उसी को बोला जाता है क्या? दैट मीन देयर इज अ स्कैवेंजिंग, और स्कैवेंजिंग दैट मीन्स आल्सो नोन एज द क्लीनिंग, क्लीनिंग। तो मैं इसको क्या कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द सिलेंडर, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द process of cleaning the engine cylinder after expansion stroke, after एक्सपेंशन स्ट्रोक। जब एक्सपेंशन स्ट्रोक के बाद जब हम उसकी क्लीनिंग करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज द क्लीनिंग। आ जाओ बोला गुरुदेव, अगर हम लोग यहां पर बात करें, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को दैट मींस क्या है ये, कौन सा इंजन है कोई मुझे देखकर बता सकता है? देखकर बता सकता है? बोला सर बिल्कुल मैं बता सकता हूं सर, इट इज द टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है। अब देखो टू स्ट्रोक इंजन हमारे पास है, मैं यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी एक टर्मिनोलॉजी में यहां पर यूज करूंगा, कौन से किसको बोलते हैं, जो मुझे यूज होगा मैं वही यूज करूंगा, अदरवाइज कोई ज्यादा चीज यूज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्या है? बोले सर इसको हम बोलते हैं दिस इज द एग्जॉस्ट पोर्ट, ये आपका कहलाएगा एग्जॉस्ट पोर्ट, ये मेरा कहलाएगा बोले सर इट इज द
सक्शन पोर्ट, और ये जो है, ये जो मैं दिखा रहा हूं, इट इज व्हाट, इट इज द ट्रांसफर पोर्ट, ये आपका कहलाएगा व्हाट? बोले सर इट इज द ट्रांसफर पोर्ट, ये ट्रांसफर पोर्ट कहलाएगा। ये जो नीचे गोलू, जो गोल हांडा जो बना है, हांडी जो बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं, बोले सर इट इज द क्रैंक केस, इट इज व्हाट, इट इज क्रैंक केस कहलाती है, ये क्या कहलाती है, इट इज द क्रैंक केस कहलाती है। और बोला गुरुदेव ये जो है, ये जो है ऊपर एक टोपी सी जो मैंने इसको परा रखी है, ये क्या कहलाता है, बोले सर इट इज क्राउनिंग, इट इज क्राउनिंग। आप लोगों ने देखा होगा मेनली टू स्ट्रोक में ये होती है, मैंने थोड़ी ज्यादा बड़ी बनाई है, बेसिकली छोटी सी होती है, दैट मीन्स ये अगर मैं बना रहा हूं तो ये कुछ ये इस तरीके की होती है, थोड़ी छोटी होती है, मैं थोड़ा सा दिख जाए कि हाँ भाई कुछ लिखा हुआ है तो दैट मीन्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोला जाता है, इट इज क्राउनिंग, क्लियर है। अब सुनो, ये सारी चीजें बताने के बाद मैं आपको क्या दिखाता हूं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा एक क्रैंकेस है, आप लोगों को पता है जैसे क्रैंकेस है तो सक्शन, जो आपका सक्शन होता है, सक्शन में ड्यूरिंग सक्शन, ड्यूरिंग सक्शन मेरा क्या होगा, ड्यूरिंग सक्शन आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है, इन पेट्रोल इंजन जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो क्या करता है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो क्या करेगा, बोला सर एंटर कर जाएगा, ड्यूरिंग सक्शन एयर फ्यूल मिक्सचर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। जब एयर फ्यूल मिक्सचर आपका एंटर कर जाएगा तो मैं कहना चाहूंगा वो यहां पर भरा हुआ होगा, यहां पर भरा हुआ होगा, और जब ये, जब मेरा पिस्टन इस पोजीशन पर होता है, जब मेरा पिस्टन इस पोजीशन पर होता है, जब जो ये पोजीशन मैंने बना रखी है, ये सक्शन पोर्ट आपका ढका हुआ है, एग्जॉस्ट पोर्ट आपका खुला हुआ है, तो जब इस पोजीशन पर होता है तो इस एयर फ्यूल मिक्सचर की ये जो चार्ज आप लोगों ने यहां बनाकर रखा है, इसका प्रेशर क्या होता है, इट इज मोर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉट इट। मैं क्या कह रहा हूं कि सर जो यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो आपका है, ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर यहां पर है आपका, इस एयर फ्यूल मिक्सचर का जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है जब ये इस पोजीशन पे होता है, तब आपका सक्शन वाल्व बंद है और आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुला है तब, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि सर मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट खुल, एग्जॉस्ट पोर्ट क्या है, बोले सर एग्जॉस्ट पोर्ट खुला है तो मैं क्या करूंगा, भाई यहां पर आप लोगों को पता है क्या है, बोले सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या करेगा, तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस मेरा चार्ज क्या करेगा, बोले सर ये ऊपर की तरफ भागेगा, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ये मेरा चार्ज क्या करेगा, बोले सर ऊपर की तरफ भागेगा। बोलिए भागेगा नहीं भागेगा, बोले सर ये चार्ज मेरा ऊपर की तरफ भागेगा। अगर सपोज दैट ये क्राउनिंग नहीं होती, अगर ये क्राउनिंग अगर मेरे बच्चे मेरे पास नहीं होती है तो मैं कहना चाहूंगा ये क्राउनिंग नहीं होगी तो दैट मींस ये आपका इस तरीके का होगा, आपका ये इस तरीके का हुआ, और आप लोगों को दिख रहा है कि सर इस पोजीशन पर मेरा ट्रांसफर पोर्ट ओपन है और यहां से एग्जॉस्ट पोर्ट आपका, मतलब ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट आपके क्या है, दोनों साइमल्टेनियसली ओपन है, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज आपका क्या है, उसका प्रेशर ज्यादा, तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ये क्या कर रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस क्या कर रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज द कंबशन चैम्बर, ये ऊपर का पार्ट जो है वो कंबशन चैम्बर है, राइट। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ये क्या करेगा, बारेगा, और साइमल्टेनियसली जिस पोजीशन पे है तो हम लोग कह देंगे ट्रांसफर पोर्ट और मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट खाली है, तो ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट जब मेरा खाली है तो मैं कहना चाहूंगा ये क्या करेगा, बोला सर सीधा का सीधा इधर ऊपर ना जाकर कंबशन चैम्बर की तरफ ना जाकर क्या करेगा, वो बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बोले सर एयर फ्यूल मिक्सचर दैट मींस क्या किया, बाहर चला गया, हमको तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, हमारा तो क्या मतलब होता है, नुकसान हो गया। तो इसको रोकने के लिए हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, दैट मींस यहां पर रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्राउनिंग लगा देते हैं, और ये क्राउनिंग क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ फेंकेगी, ये इसको क्या करेगी, ऊपर की तरफ फेंकेगी। कोई प्रॉब्लम भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। अब सुनो, यहां तक ये सिर्फ क्राउनिंग बताता था, बताना था ये मैंने बता दिया, ठीक। अब आगे मेरी बात सुनो, अब हम लोगों को पता है कि सर दैट मीन सक्शन होगा, सक्शन के बाद कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद हमारा एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही बेटा आपका एग्जॉस्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि आपका कंबशन चैम्बर और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो दैट मीन्स ओपन है। तो हम लोगों को पता है कि सर यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा,
यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है, या सेम नहीं तो मैं कहना, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पढ़ रहे थे, तो जैसे ही एग्जॉस्ट खत्म, जैसे ही आपका एक्सपेंशन खत्म होता है, जैसे ही आपका एग्जॉस्ट खत्म होता है तो क्या हो जाता है, बोला गुरुदेव 5% गैसेस जो है वो बच जाती है, क्यों, क्योंकि सर यहां का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू क्या, दैट मींस लो प्रेशर से, क्लियर है। तो बोले गुरुदेव जब यहां पर ये होगा तो ये क्या करते हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो क्या होंगे कि सर यहां पर, सॉरी यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके जो कुछ गैसेस हैं 5% गैसेस जो है प्रीवियस साइकिल की, वो क्या करेंगी, बच जाएंगी। हमेशा जो पांच थोड़ी सी जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, यहां पर आपकी बच जाती हैं। अब ऑब्वियसली बात है वो क्यों नहीं जा पा रही है, क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि सर यहां का एग्जॉस्ट का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या है, सेम है, और ऑब्वियसली बात है ये किसकी वजह से होता है, और सर ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो सर अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, दोनों जगह सेम हो गया, तो वो जो गैसेस है प्रीवियस साइकिल की वो बाहर नहीं जा पा रही है। अब बाहर नहीं जा पा रही है तो भाई अब वहां पर गंदगी है, वो क्या है, That means क्या है, वो चार्ज जले हुए चार्ज है, कंबशन चार्ज है, तो that means obviously बात है, अब नया फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर that means कैसे आएगा, क्यों, क्योंकि उसने पहले से उसने जगह ले रखी है, तो क्या करें, तो क्या करें, तो क्या करें, तो बोले सर उनको तो पहले बाहर निकालना ही पड़ेगा, उनको तो पहले बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर वो तो पहले से यहां पर बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब प्रेशर है अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेल्प लेंगे इस हाई प्रेशर एयर फ्यूल मिक्सर की, हम क्या करेंगे, इस हाई प्रेशर एयर फ्यूल मिक्सर की क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। जब ये हाई एयर फ्यूल मिक्सर हम लोगों को पता है कि ऊपर जा रहा है, अगर क्राउनिंग में नहीं लगाता तो वो साइड से होकर निकल लेता, लेकिन जैसे ही आपने क्राउनिंग लगा दी तो ये क्राउनिंग क्या करेगी, उसको यहां ना भेज के ऊपर भेजेगी, जब ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहां पर आपकी कुछ गैसेस बची हैं, आपकी जो गैसेस बची हैं लेफ्ट ओवर साइकिल की, जो साइकिल की, तो उनको क्या करेगा, बोला सर उनको धक्का मारेगा, उनको क्या करेगा, धक्का मारेगा, और धक्का मार के क्या करेगा, बोला सर बाहर भेज देगा। तो दैट मींस जो लेफ्ट ओवर गैसेस प्रीवियस साइकिल की जो गैसेस हैं उनको क्या करा, धक्का मारा, जब धक्का मारने की जो प्रोसेस है वो क्या हुआ, क्लीन कर दी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि बोला सर इट इज द स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग। तो बोला गुरुदेव उसको स्कैवेंजिंग क्यों बोला गया, यहां पर जो धक्का मारने का काम कौन कर रहा है, यहां पर धक्का मारने का काम कौन कर रहा है, बोला सर यहां पर धक्का मारने का काम कर रहे हैं फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सर जो माइलेज है टू स्ट्रोक इंजन की वो कम होती है एज कंपेयर टू फोर स्ट्रोक, इसलिए दैट मींस द टू स्ट्रोक इंजन आर डिसअपीयर फ्रॉम द रोड्स। देखते हो टू स्ट्रोक इंजन, देखते हो, देखते हो, बोले सर हाँ, बोले सर यहां से क्या हुआ, अरे मेरा बच्चा, कहते हैं ना वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, हम तो डूबेंगे लेकिन सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो भाई वो जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को कौन धक्का दे के बाहर निकाल रहा है, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर जो बिल्कुल फ्रेश है, जला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उनको धक्का दे के निकालूंगा, तो वो क्या करेंगे, भाई हम तो जा रहे हैं लेकिन तुम्हें भी, वो क्या करेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे और खींचेंगे, हाथ पकड़ेंगे और खींचेंगे, तो खुद तो जाएंगे जाएंगे तो थोड़ा बहुत फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अपने साथ ले जाएंगे, तो भाई तो जला ही नहीं है, बिना फालतू में ले गए तो वो क्या है, वहां पर माइलेज की दिक्कत आती है, तो इनको क्या कर दिया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो यहां से ये दैट मींस हट गए, गॉट इट। तो याद रखिएगा, तो लिख दे स्कैवेंजिंग क्या होगी, लिख दे स्कैवेंजिंग क्या होगी, बोला गुरुदेव बिल्कुल स्कैवेंजिंग लिख दीजिए, एक तो सिंपल है। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे, दैट मींस अब हम लोग लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे कि सर दैट मींस व्हेन द फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर रीचेस द When इसको हटाते हैं पूरा ही, that means दोबारा से लिखते हैं, so that आप लोगों को दोबारा से चीजें दोबारा से ना पढ़नी पड़े, तो समझ में आ जाए, when the fresh air fuel mixture reaches above the piston with the help of crowning, that means क्या space, the air fuel mixture reaches the space above the piston, reaches above the piston with the help of
विद द हेल्प ऑफ क्राउनिंग, विद द हेल्प ऑफ क्राउनिंग, विद द हेल्प ऑफ क्राउनिंग, राइट, क्राउनिंग ऑफ द पिस्टन इट पुशेस आउट, क्राउनिंग ऑफ द पिस्टन, ऑफ द पिस्टन इट पुशेस, इज पुशेस आउट द लेफ्ट ओवर एग्जॉस्ट गैसेस, इट पुशेस आउट, पुशेस आउट, पुशेस आउट द लेफ्ट ओवर एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ 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 प्रीवियस साइकिल, लेफ्ट ओवर गैसेस ऑफ द प्रीवियस साइकिल, प्रीवियस साइकिल, देन द प्रोसेस, देन दिस प्रोसेस, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैवेंजिंग, then the process is known as scavenging. तो scavenging क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहां पर ये जो धक्का मारने का काम कौन कर रहा है, धक्का मारने का काम कौन कर रहा है, बोला सर fresh air fuel mixture यहां पर कर रहा है, clear है? तो बोला गुरुदेव अब मेरे पास आता है, तो बोला सर cleaning तो मुझे four stroke में भी चाहिए क्योंकि वहां पर भी मेहमान आएगा, बोला सर cleaning तो मुझे वहां भी चाहिए, वहां पर भी मेहमान आएगा, तो सर इसका मतलब इज देयर एनी स्कैवेंजिंग इन फोर स्ट्रोक, डेफिनेटली मेरा बच्चा स्कैवेंजिंग होती है आपकी फोर स्ट्रोक में, तो सर वहां पर फोर स्ट्रोक में स्कैवेंजिंग कौन करता है, वहां पर फोर स्ट्रोक में स्कैवेंजिंग कौन करता है, तो बेटा यहां पर किसने किया, यहां पर किसने स्कैवेंजिंग की, और सर यहां पर फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर ने की, इन टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इन टू स्ट्रोक इंजन द फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर डज द स्कैवेंजिंग, तो यहां पर हम लिखेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे इन टू स्ट्रोक, इन टू स्ट्रोक इंजन fresh fresh air fuel mixture does the scavenging, does the scavenging, whereas in four stroke engine, whereas in in four stroke engine, engine piston काम करता है, piston क्या करता है, piston ने आप देखा होगा जैसे ही आपका expansion हुआ, expansion के बाद piston क्या करता है, बोले सर ऊपर की तरफ जाता है, that means अगर मैं बना दूं, अगर यहां पर हमारे पास बना हुआ हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, that means ये क्या है आपका, ये आपका दैट मींस क्या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये आपका क्या है, बोले सर इट इज टीडीसी, ये मेरा क्या है इट इज बीडीसी, जैसे ही आपका एक्सपेंशन खत्म होता है, जैसे ही आपका एक्सपेंशन खत्म होता है आप कहां पर बैठे हैं, बोले सर बीडीसी से, जैसे ही बीडीसी हमारा खत्म होगा तो हम लोग क्या कह देंगे, हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुला होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला होगा, जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट खुला होगा तो हम लोग क्या कह देंगे कि अभी अब पिस्टन क्या करेगा, अब पिस्टन क्या करेगा, बोला सर पिस्टन ऊपर जाएगा, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहां पर आप लोगों के पास लेफ्ट ओवर गैसेस बची हैं, बोले सर हां यहां पर मेरे पास लेफ्ट ओवर गैसेस बची हैं, ये लेफ्ट ओवर गैसेस को क्या करेगा, पिस्टन ऊपर जा रहा है तो पिस्टन क्या करेगा, धक्का धुक्का मार के अपने साथ ले जाएगा, चलो भाई चलो तुम ब्रेक चलो, तो इनको क्या करेगा, ये ऊपर ले जाएगा, और जैसे ही आपका टीडीसी तक पहुंचेगा तो क्या करेगा, साफ हो जाएगा आपका सिलेंडर, बोले सर हां, तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये सारी हमारी बाहर चली जाएगी, तो हम लोग यहां पर देख लें, हम लोग यहां पर क्या देख लिए कि दैट मींस इन फोर स्ट्रोक इंजन पिस्टन डज द स्कैवेंजिंग वर्क, इन फोर स्ट्रोक इंजन पिस्टन डज द स्कैवेंजिंग वर्क ड्यूरिंग, दैट मींस कब, ये और बता दो, ड्यूरिंग
एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक, राइट। कोई पूछ ले कि सर दैट मीन स्कैवेंजिंग सिर्फ फोर स्ट्रोक में ही होती है, टू स्ट्रोक में सिर्फ टू स्ट्रोक में होती है, फोर स्ट्रोक में नहीं होती, तो आप कहेंगे गुरुदेव फोर स्ट्रोक में भी होती है। तो भैया फोर स्ट्रोक में कौन करवाता है, फोर स्ट्रोक में कौन करवाता है, सर फोर स्ट्रोक में पिस्टन करवाता है ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक, राइट मेरे बच्चे, राइट। बोले सर हाँ, क्लियर है। तो ये इंटरव्यू भी क्वेश्चन पूछता है और दैट मीन्स यहां से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोले गुरुदेव हमारा जो दैट मीन्स स्केवेंजिंग बेसिकली क्या है, तो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर करता है इसलिए स्केवेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि सर दैट मीन देयर इज अ टाइप्स ऑफ स्केवेंजिंग, सर जो टाइप्स है मेरे स्केवेंजिंग के वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा टाइप्स ऑफ स्केवेंजिंग, टाइप्स ऑफ स्केवेंजिंग। तो दैट मीन्स आप लोगों को सिर्फ नाम दैट मीन्स याद कर लेने हैं, इनके बारे में आपको डिटेल नहीं पढ़ना है कि सर ये टाइप्स ऑफ स्केवेंजिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इतना ही बेसिक पहली बात तो दैट मीन्स टाइप्स ऑफ स्केवेंजिंग के बारे में आपसे पूछेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेगी भाई कौन सी टाइप है तो बताएगा। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, पहले हम लिखते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है पहली, बोले सर देयर इज अ यूनिफ्लो, देयर इज अ यूनिफ्लो स्केवेंजिंग। दूसरा मेरे पास हो जाएगी क्या, इट इज द क्रॉस स्केवेंजिंग, और तीसरी हमारे पास हो जाएगी दैट मीन्स वॉट, बोले सर देयर इज अ लूप स्केवेंजिंग। क्या हो जाएगी, दैट मीन देयर इज अ लूप स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग आपकी तीन टाइप की है, एक आपकी यूनिफ्लो स्केवेंजिंग, एक आपकी क्रॉस स्केवेंजिंग, एक आपकी होती है लूप स्केवेंजिंग। तो हम लोग कह दें कि सर अब हमारे पास स्केवेंजिंग बन गई, अब हमसे पूछ ले कि सर कौन सी स्केवेंजिंग, चलो ठीक है आप ये तो हो गया सर हमसे, लेकिन हमसे पूछ ले कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सी होती है, इन दोनों में से बेस्ट देंस मीन्स कैसे होगी, बेस्ट कैसी होती है, तो वो हम लोगों को बताना है। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि सर इनमें से अच्छी कौन सी है, तो हम लोग बताएंगे इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, हम किस में बताएंगे, बोले सर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी बताएंगे। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर जो यूनिफ्लो है मेरी, जो यूनिफ्लो जो है इट हैव, इट हैव हाईएस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी इसका मतलब वही बेस्ट है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी इसका मतलब वही बेस्ट है, बोले सर बिल्कुल वही बेस्ट है। तो टाइप हो गए हैं, टाइप के बाद कौन सी अच्छी है, तो कह देंगे इन तीनों में से यूनिफ्लो क्रॉस और लूप स्कैवेंजिंग में आपकी अच्छी कौन सी है, तो हम लोग कह देंगे कि बोले सर दैट मींस देयर इज अ यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, स्कैवेंजिंग समझ में आ गई होगी, ये भी पता चल गया होगा कि सर फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक में स्कैवेंजिंग होती है नहीं होती है, और होती है तो दैट मींस कौन करता है, टाइप्स दैट मींस स्कैवेंजिंग के क्या होते हैं, और इनमें से कौन सी दैट मींस क्या है अच्छी स्कैवेंजिंग होती है, ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा, राइट। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं सर हमारे शॉर्ट नोट्स पर, शॉर्ट नोट्स में हम लोगों को क्या क्या ऐड करना है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को सबसे पहले यहां पर स्कैवेंजिंग की डेफिनेशन को लिख लेना है, स्कैवेंजिंग की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने ये है, और जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिख लीजिएगा, सो दैट अगर कभी आप फ्यूचर में इसको यूज करें तो आप लोगों को पता हो कि सर ये स्कैवेंजिंग होती है। और अगर ये डायग्राम दैट मीन जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो दैट मीन सोने पे सुहागा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट आप ले लो तो सो दैट आप लोगों को हो जाएगा कि हाँ सर सारी चीजें क्या है क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर चीजें यहां पर दिख जाएंगी। तो ये डायग्राम बना लो, उसके छोटा सा डायग्राम है भाई, डायग्राम तो बनाना ऑब्वियसली बात है, मैकेनिकल इंजीनियर बोले सर ईडी जब हम क्या बोलते हैं ड्राइंग जब हम लोग सातों सेमेस्टर पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है इसमें तो क्या ही है, जब वो हम लोगों ने झेला है तो उसको नहीं झेलेंगे, बिल्कुल। तो ये ड्राइंग बना लो, ड्राइंग के बाद स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और उसके बाद आप लोग ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दैट मीन्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख लो, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट मेरे बच्चे, बोला हाँ लिख लिया। उसके बाद गुरुदेव ये लिख लीजिए कि डिफरेंस जो है वो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक की स्कैवेंजिंग में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग कितनी होती है और कौन सी अच्छी होती है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स होप सो यहाँ तक तैयार हो जाएंगे, क्लियर है। तो बोले गुरुदेव
शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो गए, वीडियो भी हम लोगों ने, टॉपिक भी क्लियर हो गया कि स्कैवेंजिंग क्या होती है, और ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने क्लियर हो गया। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।